पहले म्यूचुअल फंड में पैसा जाता था, अब बैंकों में पैसा जाएगा। एक सामाजिक क्षेत्र है, बाकी कुटुंबातूनच मी आलेला आहे, तो आयआयटी में कौन जाएगा और आयआयटी किसके लिए? ऐसे कई मामले आपको मिल जाएंगे कि जो रेवेन्यू फरगोन है। भारत रत्न, विश्व के सबसे बड़े अर्थतज्ञ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके स्मृति को अभिवादन करता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि वो समाज जो पहले अपने आप को जीवित रखने के लिए लोगों के भरोसे और लोगों के आगे पीछे घुमा करता था, आज इस देश के बजट पे विश्लेषण कर रहा है और उस बजट में अपने लिए क्या है इसके बारे में सोच रहा है। एक बात मैं यहाँ बता दूं कि इकोनॉमिक्स में बजट का महत्व, बजट इज नॉट जस्ट एन असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, बजट का महत्व इतना ही नहीं है कि कहाँ से पैसा कितना आता है और कहाँ कितना पैसा जाता है। बजट का महत्व इकोनॉमिक्स में ऐसे कहा गया है कि इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट डिफाइन्स एन इकोनॉमिक बिहेवियर। वो एक दस्तावेज है जो उस साल के लिए आपका आर्थिक व्यवहार कैसे होगा, आप कैसे अपना इकोनॉमिक बिहेवियर करेंगे वो बताएगा। पिछले साल की सरकार ने सोने पे कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी थी, तो आपने पेपरों में और अखबारों में और मीडिया में पढ़ा होगा कि इस देश में सोने की स्मगलिंग बढ़ गई। एक बजट में इशू आया कि कस्टम ड्यूटी बढ़ गई और लोगों का व्यवहार गलत होने लगा, स्मगलिंग बढ़ गई। यहाँ पेंशनर्स एसोसिएशन ने को ऑर्गेनाइजर है इसके, अगर पिछले महीने अगर आप बैंक में गए हैं और अगर आपने FD का रेट पूछा होगा बैंकों से, और अगले महीने आप बैंकों में जाइए और FD का रेट पूछिए, FD का रेट नीचे गिर गया है। क्यों? क्योंकि इस बजट में म्यूचुअल फंड, जो नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड है, उसके ऊपर में कैपिटल गेन टैक्स की सीमा बढ़ा दी है। उसका जो टाइम पीरियड पहले 12 महीने का था इन्वेस्टमेंट का, उसको 36 महीने का कर दिया है। अब आपका बिहेवियर चेंज हो गया, जहां पहले म्यूचुअल फंड में पैसा जाता था, अब बैंकों में पैसा जाएगा। और बैंकों को पता चल गया कि मेरे पास पैसा आने वाला है तो FD का रेट मैं क्यों बढ़ाऊं, कम रेट भी अगर रखूंगा तो लोग तो मेरे पास ही आएंगे। ये बजट का इकोनॉमिक बिहेवियर है। जो अमीर है वो डिक्टेट करता है कि बजट कैसा होगा, जो गरीब है वो भोगता है बजट के परिणाम। बजट का जब आप विश्लेषण करते हैं, जब एनालिसिस करते हैं, या उसका जब हम विश्लेषण करते हैं, तो विश्लेषण तभी बजट का किया जाएगा या एनालिसिस तभी उसका हुआ होगा, इवैल्यूएशन उसका तभी होगा जब बजट से आपको कोई एक्सपेक्टेशन है। आप उसका विश्लेषण तभी कर सकते हैं जब बजट से आपका कोई अपेक्षा है। अगर आपकी कोई अपेक्षा ही नहीं बजट से, तो विश्लेषण क्या खाक करेंगे। ये बात हमने डिक्की ने सीखी 2011 में, जब डिक्की के चेयरमैन मिलिंद कामले ने कहा कि आओ बजट का विश्लेषण करते हैं। तब हमने कहा कि हम किस चीज का विश्लेषण करेंगे, हमारा ही तो बजट से कोई अपेक्षा ही नहीं। तब 2012 में हमने ये एक ध्येय रखा कि इस देश में सबसे बड़ा खरीददार कौन है, हु इज द बिगेस्ट बिजनेसमैन इन दिस कंट्री। और तब हमें आश्चर्य लगा कि इस देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज तक जितने भी बड़े लोग हुए हैं इस देश में, सो कॉल्ड इंडस्ट्रियलिस्ट, चाहे वो टाटा हो, अंबानी हो, अडानी हो, गोदरेज हो, कोई भी हो, उनके अगर आप बैलेंस शीट एनालिसिस कर लीजिए तो 30% से ज्यादा बिजनेस वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ करते हैं।
तो हमने कहा कि जो इस देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है उसके साथ बिजनेस में हमको हिस्सेदारी चाहिए. एंड वी प्रपोज्ड, हमने ये कहा कि गवर्नमेंट से फोर जो एमएसएमई है उससे गवर्नमेंट एक हिस्सा, गवर्नमेंट की जो भी खरीदी होती है वो उससे गवर्नमेंट को लेना है. तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 20% हम एमएसएमई से लेंगे. तब मुकुल वासनिक जी सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे, हमने उनसे ये प्रस्ताव रखा कि इस ये जो 20% है उसमें का एक हिस्सा ये दलित उद्योजकों का होना चाहिए, क्योंकि हम भी टैक्स भरते हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश का सामान खरीदते हैं, और जब सामान खरीदते हैं तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में हमारा पैसा भी सरकार के पास जाता है, तो क्यों ना वो पैसा वापस समाज के पास आए. तो ये मुद्दा लेकर हम जब मुकुल वासनिक जी के पास गए, मुकुल वासनिक जी ने इमीडिएटली हमें, सोनिया गांधी जी जो यूपीए की चेयरपर्सन थी उसके पास वो लेके गए और कहा इनका एक विचार आया है आप सुनिए. और हमने वो विचार उनको दिया कि हमें ये 20% में से 20% 20% ऑफ 20% ये हमारा हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि इस देश के मोर और लेस हम वी आर 20-25% ऑफ दिस कंट्री. तो ये 20% का हिस्सा हमारा होना चाहिए, इस हिसाब से 4% ये हमारा हिस्सा हमको मिलना चाहिए. दोस्तों 2012 का बजट पेश किया अब के राष्ट्रपति और तब के फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी ने, और बजट में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 20% ऑफ द 20% एमएसएमई का जो प्रोक्योरमेंट होगा वो दलित एंटरप्रेनर से होगा. हमने अपेक्षा जताई, हमने बजट में वो पाया. और एक बार जब शेर के मुंह को खून लग जाता है तो फिर तो बात बन गई. 2013 के बजट में हमने फिर से चिदंबरम जी से कहा कि आप जैसे प्री बजट मीटिंग सीआईआई से करते हैं, जैसे एसोकैम से करते हैं, जैसे फिक्की से करते हैं, आप डिक्की से भी कीजिए. दलित एंटरप्रेनर का भी हक बनता है कि वो आपको आके बताए कि बजट में उसको क्या चाहिए. चिदंबरम जी ने कहा ठीक है, सीआईआई का या फिक्की का एसोकैम का कंबाइंड डेलीगेशन आ रहा है, आप भी उसमें आ जाइए. हमने कहा नहीं, हम उसमें नहीं आएंगे, हमको अलग से टाइम चाहिए. तो बड़े खिन्न मन से उन्होंने दूसरे दिन हमें 15 मिनट दिए. और जब हम 15 मिनट में गए और वहां हमारे चेयरमैन सबको इंट्रोड्यूस कर रहे थे उनको, तो उन्होंने कहा देखो आपको हमने 15 मिनट दिए, मैं एक मिनट ज्यादा नहीं दूंगा, अब आप सोच लीजिए कि इंट्रोडक्शन करना है या आपका पॉइंट रखना. तब हमने दो पॉइंट रखे उनके पास. पहला पॉइंट हमने बजट 2013 के बजट के लिए यह रखा कि यहां की जो आज हमारी बैंकिंग व्यवस्था है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उसमें अगर मैं लोन लेने के लिए या मांगने के लिए जाऊं तो वो मुझसे कोलैटरल मांगते हैं, वो मुझसे तारण मांगते हैं, वो बोलते हैं आप अपना प्लॉट गिरवी रखिए, आपका कोई बंगला है वो गिरवी रखिए, आपका कोई घर गिरवी रख दे. अरे यहाँ खाने पीने के वादे हैं, घर और बंगला कहाँ से मिलेगा. तो हमने उनसे कहा कि ये फाइनेंशियल जो आपका आर्किटेक्चर है दैट डजंट वर्क इन फेवर ऑफ अस, वो हमारे लिए काम नहीं करता, तो आप वेंचर कैपिटल का कोई प्रोविजन कीजिए. चिदंबरम लिटरली लाफ्ड, वो हंसने लग गया. वेंचर कैपिटल फॉर दलित, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग. हमने कहा वेंचर कैपिटल कीजिए और उसमें रिटर्न भी रखिए कि आपको किस रिटर्न से वापस पैसे चाहिए, वो मानने को तैयार हुए नहीं. दूसरा मुद्दा हमने ये रखा कि जैसे CGTMSI स्कीम है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट बना हुआ है, जिसमें अगर आप बैंक के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि 1 करोड़ तक का अगर मुझे प्रोजेक्ट डालना है तो आपसे तारण नहीं लिया जाता. हमने उनसे कहा कि आप SC ST के लिए अंबेडकर क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च कीजिए, जिसमें 5 करोड़ तक का अगर कोई बिजनेस प्रोजेक्ट डालता है तो उसके लिए कोई कोलैटरल लेने की जरूरत नहीं है. तो बोले वो मुझे सोचना पड़ेगा. दोस्तों डिक्की ने 5.5 करोड़ रुपए खड़े किए, 5.5 करोड़ रुपए खड़े करके सेबी के पास गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास गया, और अपना खुद का एक वेंचर कैपिटल फंड खड़ा किया. डिक्की SME वेंचर कैपिटल फंड दुनिया का पहला ऐसा फंड है कि जिसको किसी सो कॉल्ड अंडर प्रिविलेज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहीं खड़ा किया होगा, दुनिया में पहली बार. हमने वो खड़ा किया
उसके इनॉग्रेशन के लिए होटल ताज के बॉलरूम में इनॉग्रल फंक्शन रखा और उस फंक्शन में चिदंबरम को बुलाया, आओ और इनॉग्रेट करो। नतीजा क्या निकला, 2014 का जब इंटरिम बजट उन्होंने रखा तब उन्होंने एससी के लिए एक अलग से वेंचर कैपिटल फंड खड़ा किया 200 करोड़ रुपए का। जो इंटरिम बजट जो पास हुआ उसमें उन्होंने 200 करोड़ रुपए का एक अलग से वेंचर कैपिटल फंड खड़ा कर दिया। इस बीच ये सरकार चली गई, नई सरकार आई, इस सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर को भी हमने कहा कि हमको आपसे मिलना है और हमारी ये डिमांड है। दो डिमांड हमने चिदंबरम के लिए रखी थी, एक डिमांड हमने रखी थी प्रणब मुखर्जी के लिए जो पूरी हुई, दो डिमांड हमने रखी थी चिदंबरम के लिए उसमें से एक पूरी हुई, जो पूरी नहीं हुई वो डिमांड और दो डिमांड लेके हम जेटली के पास गए और उनसे कहा कि हमें अंबेडकर क्रेडिट गारंटी मॉनिटरिंग स्कीम चाहिए, जैसे आपने नाबार्ड बनाया है, जैसे आपने भारतीय महिला बैंक बनाया है, वैसे आप एससी एसटी के लिए एक अलग बैंक बनाइए। और अधिकतर जो दलित एंटरप्रीनियर्स है और एंटरप्राइजेस है वो सर्विस सेक्टर में है, तो जो सर्विस टैक्स है वो 12% से लाके आप 8% पे दीजिए ताकि सर्विस इकोनॉमी बढ़े। दोस्तों जब ये बजट आया 2014 का तो उनमें इंटरिम बजट में जो 200 करोड़ थे उसको मेन बजट में लेके आ गए और हमें ऐसा लगा पढ़ के बजट की यार बाकी की हमारी बातें तो मानी नहीं गई, लेकिन जब आप डिटेल में वो बजट को पढ़ते हैं तो उसमें जेटली जी ने एक चीज की है और कहा है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने ये माना है अपने बजट में कि इस देश की जो अनरिकॉग्नाइज्ड इकोनॉमी है जो बुक्स में नहीं आ रही है, ये पान ठेले वाले, ये रिक्शा वाले, ये छोटी छोटी दुकानों वाले, ये लॉन्ड्री वाले, ये जो इकोनॉमी है ये इकोनॉमी का जो मेन पिलर है, ये इकोनॉमी का ऑलमोस्ट 80% जो चला रहा है इस इकोनॉमी को वो एससी एसटी और ओबीसी है, ये बजट में लिखा हुआ है। और ये भी लिखा हुआ है कि इस इकोनॉमी को जो लोग चला रहे हैं उनको बैंकों से पैसा नहीं मिल रहा, उनको सहायता नहीं मिल रही और इसलिए आरबीआई को 3 महीने का टाइम दिया गया है कि 3 महीने में आप इन लोगों के लिए एक फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बनाइए। और वो आर्किटेक्चर क्या होगा आप देखिए, 3 महीने के बाद जब आरबीआई की रिपोर्ट आएगी उसमें लिखा होगा कि अंबेडकर क्रेडिट गारंटी स्कीम लागू की जाए और एससी एसटी के लिए एक डिफरेंट बैंक बनाया जाए, वो स्कीम में लिखा होगा। ये मैं अभी आज आपको बता रहा हूँ क्योंकि उसका भी हमने काम चालू कर दिया है, हम लोग आरबीआई के इसमें जा रहे हैं। तो डिक्की की नज़र से अगर मैं बजट को देखता हूँ तो बजट बड़ा सक्सेसफुल लगता है, लेकिन जैसे कहा मैंने शुरू में कि बजट जो है ये इकोनॉमिक बिहेवियर डिफाइन करता है, तो इस बजट से कुछ चीजें अब साफ होने लग गई हैं। सबसे पहली चीज ये साफ हो गई है कि जो सरकार का प्रोवाइडर वाला जो रोल था जिसे माई बाप सरकार कहा जाता था वो रोल अब खत्म हो गया, ये बजट में वो क्लियर हो गया। और ये भी क्लियर हो गया है कि अब गवर्नमेंट का रोल जो रहेगा वो सिर्फ फैसिलिटेटर का रहेगा और उस फैसिलिटेशन रोल में आप कितना खींच सकते हैं ये अब आपके ऊपर है। तो जो इनेबलर का रोल था उसमें सबसे बड़ा रोल जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए गवर्नमेंट का था वो था एज अ एम्प्लॉयर जो रोल गवर्नमेंट का था वो अभी डिमिनिश हो गया है। हमारे बच्चों के लिए जो नौकरियां हैं वो सरकारी क्षेत्र में अब कम से कम होती जाएगी। और ये कहां प्रतिबिंबित होता है, ये प्रतिबिंबित होता है उस बजट के उस हिस्से में जो हर अखबार, आप इकोनॉमिक टाइम्स ले लीजिए, बिजनेस स्टैंडर्ड ले लीजिए, मिंट ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, हर अखबार के फर्स्ट पेज पे आ रहा है कि दिस इज अ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। इस सरकार की आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है कि 10,000 करोड़ रुपए का इनोवेशन फंड दिया गया,
हर बजट में अब आपको 10,000, 20,000, 30,000 रुपए का इनोवेशन फंड मिलता जाएगा। क्यों? अब सरकार ये कह रही है वो फंड वहां है, उस फंड में से आप पैसा लीजिए, अपना धंधा खुद शुरू कीजिए, अपने लिए नौकरी खुद पाइए। अब हमारे पास आपको नौकरियां देने के लिए कुछ बचा नहीं है। ये बात आप हमारे समाज को जितने जल्दी होगी उतने जल्दी अभी समझ लेना है कि आने वाले 3-4 सालों के बाद the only way to survive is to be an entrepreneur। अगर आप उद्यमी हैं तो ही आप अब इस सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है, चाहे वो ब्राह्मण हो वो भी एंटरप्रेनर नहीं है, उसको तो एंटरप्रेनरशिप आती ही नहीं है। जिसे सो कॉल्ड हम एंटरप्रेनर कहते हैं, मारवाड़ी बनिया वगैरह, वो एंटरप्रेनर नहीं है, वो ट्रेडर्स हैं। वो एक से माल खरीदते हैं, उस पर अपना मार्जिन लोड करते हैं और आपको देते हैं, वो एंटरप्रेनर नहीं है। तो इस देश में कोई भी समाज एंटरप्रेनर नहीं है, इट्स एन ओपन स्पेस। और अगर आज हम इस स्पेस पे चलना चालू करेंगे तो भाइयों हो सकता है कि आने वाले 10-15 साल में इकोनॉमिकली द मोस्ट स्ट्रांग अगर कोई कौम बन सकती है तो वो हमारी कौम बन सकती है, बहुजन समाज बन सकता है। और इसकी तरफ अभी हमको आंख खोल के देखना होगा। शिक्षा में कितना पैसा जा रहा है भूल जाइए, क्योंकि सरकारी पाठशालाओं में आज गांव का गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों को भेजता नहीं है। आप बिहार में चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, एक सरकारी शाला है उसके आजू बाजू में 5 अंग्रेजी कॉन्वेंट खुल गए हैं जहां हर कोई अपने बच्चों को भेज रहा है। ये पहली सरकार है जिसने स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का मिनिस्ट्री खोला है, आज तक कभी मिनिस्ट्री नहीं थी। क्यों खोला है? क्योंकि नौकरियां नहीं देनी है, स्किल डेवलपमेंट कीजिए, आप अपना धंधा कीजिए। एनएसडीसी को, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को, पिछली सरकार ने 800 करोड़ रुपए दिए थे, हर साल दे रही थी। उस 800 करोड़ रुपए का फायदा जो उठाया है वो गैर लोगों ने उठाया। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने स्किल डेवलपमेंट के नाम पे बिजनेस चालू कर दिए हैं। वो क्या कर रहे हैं? स्किल कूपन बांट रहे हैं। बांट किसको रहे हैं? दलित युवक को, बहुजन समाज के युवक को। क्या बांट रहा है वो? ये 100 रुपये लीजिए, जाके ऑटो रिपेयर कैसा किया जाता है वो देखिए, ये 200 रुपये का कूपन कीजिए, ITI में फिटिंग कैसी की जाती है वो देखिए। डिक्की ने अपना एक स्किल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन खोला है, डॉक्टर आम्बेडकर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, जो आज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास 200 करोड़ रुपए के लिए उसने प्रपोजल डाला है, जहां से हम सिर्फ एंटरप्रेनर बनाने का स्किल देंगे कि आप बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं, आप अपना धंधा कैसा चला सकते हैं। दो वक्त का खाना नहीं खाए, मत खाइए, लेकिन अपने धंधे खड़े कीजिए और लोगों को नौकरियां दीजिए, बी अ जॉब गिवर। ये जब तक अगर हम अपना मंत्र नहीं लगा पाएंगे, ऐसे बजट आते रहेंगे और जाते रहेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सोशली इस बजट का एक और बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो हमारे समाज पे होने वाला है वो ये है कि ये पहली बार इस सरकार ने ऐसा कहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में एलोकेशन होता है, जिसे प्लान्ड एलोकेशन कहते हैं, आपके बजट में पैसा आता है, आता कहाँ से? टैक्सेशन से आता है। जो उन्होंने कहा कि 18 लाख करोड़ यानी 18 के पीछे 12 जीरो, आपके चेकबुक में अगर आप लिखना जाओगे तो 18 के पीछे 12 जीरो वो पूरा आता नहीं है, उतना बड़ा अमाउंट है उसमें मेजॉरिटी जो आता है वो टैक्सेस से आता है, और जो खर्चा जो मेजॉरिटी होता है वो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर पे होता है। प्लान्ड एक्सपेंडिचर का जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में, जो सेंटर से जो स्टेट को पैसा जाता है उसमें होता है। शायद आपने एक चीज सुनी होगी, SCP, स्पेशल कंपोनेंट प्लान, जहां से पैसा राज्य सरकार को आता है, और राज्य सरकार अपना जब बजट डिक्लेयर करता है तो बहुत बड़े इसमें कहता है कि हम शेड्यूल कास्ट के लिए 4,000 करोड़ रुपए डिक्लेयर करेंगे, 4,000 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे। आप अगले बजट पे पूछने जाओ कि भैया वो पिछले बजट में आपने 4,000 करोड़ रुपए कहा था वो गया कहाँ? पता चलता है महाराष्ट्र में
वो 4,000 करोड़ में का 2,000 करोड़ चला गया कृष्णा खोरे में, 100 करोड़ चला गया एक जेल बनाने में, 200 करोड़ चला गया रास्ता बनाने में। हम पूछते यार ये क्या हो रहा है, आपने तो कहा था कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान है, वो सिर्फ एससी पे खर्चा होगा। बोले वो रास्ते पे से भी तो एससी चलेगा ना। पिछले पा इंदिरा गांधी ने वो चालू किया था, 80 से हर स्टेट गवर्नमेंट को ऑन एन एवरेज आज तक 2,000 करोड़ रुपए स्पेशल कंपोनेंट प्लान में मिले हैं। उसका अगर उन्होंने 20% भी एससी पे खर्च किया होता ना, तो हम ऐसे हॉल में नहीं बैठते आज। हमने प्लानिंग कमीशन में ये बात रखी कि इस जो एससीपी कंपोनेंट प्लान है वो नॉन डाइवर्टेबल हो। मोंटेक्सिया अलुवालिया ने वो बात मान ली, उन्होंने प्लानिंग कमीशन में रख दिया कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान शुड बी नॉन डाइवर्टेबल, इसको डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। पर मुझे बड़े खेत के साथ कहना पड़ता है कि पूरे भारत में जितने स्टेट्स थे, उस स्टेट का जब हमने अध्ययन किया तो एक भी स्टेट में वो लेजिस्लेशन नहीं है, लॉ नहीं है। फिर पिछले साल हमारी आंध्र प्रदेश सरकार से बातें हुई, आंध्र प्रदेश सरकार में एक अच्छी बात चल रही थी कि आंध्र प्रदेश सरकार का जो कैबिनेट था किरण रेड्डी के अंदर में, उसका 50% कैबिनेट जो था वो एस सी एस टी कैबिनेट था, और डिप्यूटी सी एम भी जो था वो एस सी था। वहाँ पर दो मेन कास्ट है, माला एंड मडिगा, वो किसी प्लेटफॉर्म पे एक कभी आंध्र प्रदेश में एक प्लेटफॉर्म पे आते नहीं है। डिक्की का एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म मिला जहां वो दोनों साथ आए, और जब दोनों साथ आए तो हमारे डायस पे आंध्र प्रदेश के 12 कैबिनेट मिनिस्टर थे। और उस कैबिनेट मिनिस्टर्स को हमने कहा कि क्यों नहीं आप पहला स्टेट बन जाते जहां पर स्पेशल कंपोनेंट प्लान को बाकायदा लीगली ये बना दिया जाए कि इट इज नॉन डाइवर्टेबल। और दोस्तों वो बात आंध्र प्रदेश में हो गई। अभी आंध्र प्रदेश के 2 राज्य बन गए, तेलंगाना और सीमांध्रा, दोनों राज्यों में ये बात हो गई है कि जो 4,000 करोड़, 3,000 करोड़, 2,000 करोड़ जो भी स्पेशल कंपोनेंट प्लान आएगा वो सिर्फ एससी या एसटी पे खर्चा होगा और किसी चीज पे खर्चा नहीं होगा। आप पूछेंगे इससे क्या होगा, एक स्कीम चलेगी कि जितने भी एससी के किसान हैं उन किसानों को सरकार मुफ्त में बोरवेल देगी। तो जो एससीपी का फंड है वो किसानों के यहाँ बोरवेल लगाने में काम आ जाएगा, एससी के किसान को पानी मिल गया। अब डिक्की का अगला स्टेप ये है कि वो जो बोरवेल आपने खरीदा है वो बोरवेल भी आप दलित एंटरप्रेनर से खरीदिए, क्योंकि वो 4,000 करोड़ जो आपने बोला था वो एससीपी का फंड है, वो किर्लोस्कर के घर में क्यों जाएगा? वो जाना चाहिए किसी दलित और बहुजन के घर में। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप अभी ये चल रहा है कि वो जो कंपोनेंट प्लान है उसकी प्रोक्योरमेंट भी दलित एंटरप्रेनर से होगी। तो जहां हम 4% से चालू हुए थे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में, अब हम स्टेट गवर्नमेंट में भी लागू हो गए। सैटरडे को ही हमको राहुल गांधी ने बुलाया था कि दलित युवक के लिए क्या करना चाहिए वो आप हमको बताओ। तो अब हमने उनसे यही कहा कि आप दो ही चीज कीजिए, एक जो आपके स्टेट्स हैं बचे हुए स्टेट, जैसे खासकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में को नामांकित प्रोग्रेसिव स्टेट कहा जा रहा है, पर एक भी स्कीम शेड्यूल कास्ट के फेवर में या शेड्यूल ट्राइब के फेवर में इस राज्य में नहीं है। बड़े लड़ झगड़ के हमने पिछले साल जब इनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी तो उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमने एमआईडीसी के जो नए एमआईडीसी आएंगे उसमें 5% प्लॉट्स एससी एसटी के लिए रिजर्व होगा, ये पिछले साल हमने लड़ झगड़ के महाराष्ट्र गवर्नमेंट से करवाया। इस साल जब हम महाराष्ट्र सरकार से कह रहे हैं कि आप एससीपी को नॉन डाइवर्टेबल कीजिए तो सुन नहीं रहे हैं। शायद उसकी वजह ये होगी कि हम यहाँ पर एक नहीं हैं। ग्राउंड लेवल पे जगह अगर हम एक नहीं है तो टॉप लेवल पे हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो हमने राहुल गांधी से कहा कि जो बची खुची सरकारें हैं आपकी उसमें आप एससीपी को नॉन डाइवर्टेबल करवाइए। ये अगर बजट में आ जाता है स्टेट गवर्नमेंट के तो हम कहीं हमारे लिए बहुत फंडिंग्स आएंगी। जो बीएसपी के राज्यसभा में अभी एमपी हैं
उनसे या तो क्वेश्चन आवर्स में या फाइनेंशियल बिल के डिस्कशन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर क्रेडिट गारंटी स्कीम और SC ST का जो बैंक है उसके लिए बार बार सवाल उठाना चालू करवाइए। डिक्की का नाम पहले ही पार्लियामेंट में हो चुका है, क्योंकि जब सोशल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिल आया था तब करीब 140 MP राज्यसभा और लोकसभा के मिलके उनको सबको हमने ली मेरिडियन दिल्ली में एक 5-स्टार होटल है वहाँ पर बुला के उनको समझाया था कि हमको क्या चाहिए, वो मिला हमको। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि BSP के MP जो राज्यसभा में है उनसे रिक्वेस्ट करवाइए कि दोनों चीज़ों को वो प्रेशर डाले और हमें जो चाहिए वो मिले। साथियों, अगर हम इकोनॉमिक्स की तरफ और आर्थिक विचारों की तरफ ध्यान देने लगे, और हमें देना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो आज समाज है उसमें करीबन 50% जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनकी उम्र 30 साल से कम है। अगर उनकी ज़िंदगी हमें बनानी होगी तो हमें उनके हाथ में इकोनॉमिक पावर देना होगा, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। और इसलिए जितना हो ज़्यादा हो सके हमें इकोनॉमिक्स और बजट और इस सब में अपना ध्यान डालना होगा। आप सब ने मुझे इतने शांति से सुना इसलिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।